हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जीएसएससी के द्वारा एक अर्जेंट नोटिस को जो है निकाला गया है, और ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जिन लोगों ने पेपर दिया है या फिर आपको डाउट है कि आपका एक दो नंबर से जो है एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो ऐसे में जो है आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप इसे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दे दिया गया है। सीधे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जहाँ से ये नोटिफिकेशन 23/12 यानी कि सॉरी ये एक्चुअली अब 24 हो चुका है, 24/12 को जो है रिलीज किया गया है। तो चलिए सीधे हम लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट की ओर चलेंगे। देखिए ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप आओगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, और व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन पे आपको आना है, और यहाँ पर व्यू ऑल पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और व्यू ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, नोटिस रिगार्डिंग फॉर द डेट एक्सटेंशन, यानी कि डेट को बढ़ाया गया है। अब कौन से डेट को बढ़ाया गया वो देख लेते हैं। यहाँ से जो है आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो देखिए ये पीडीएफ जो है कुछ ऐसा दिखेगा, ये खुल चुका है। अब यहां से देखिए जो जानकारी दी गई है वो मैं आपको बता देता हूं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आवश्यक सूचना किसके संबंध में, विज्ञापन संख्या 8/2023 और 9/2023 के लिए, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता 2023 के लिए। यहां से आप डेट भी देख पाओगे 24/12/2023। यहां पे क्या बताया गया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 8/2023 9/2023 के आलोक में दिनांक 27/11/2023 28/11/2023 और 29/2023 को जो है एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था, और इसका जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दिया गया था जेएससी के वेबसाइट पे। अब जो है इसका जो समय है वो 25/12/2023 तक का जो है दिया गया है। अब जो है आपत्ति दर्ज करने का जो समय विस्तार था, एक्चुअली ये 25 तक था, अब इसे बढ़ाकर 28/12 तक कर दिया गया, यानी कि 28 दिसंबर तक। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग था तो उस पर आप आपत्ति कर सकते हो। याद रखिएगा, जब मेरिट आती है ना तो एक दो नंबर से जो है किसी का नहीं होता है, तो ऐसे में जिनका एक दो नंबर लग रहा है कि आपने सही किया था और आंसर की रॉन्ग है, तो प्लीज़ एनसीईआरटी के टेस्ट बुक या फिर कोई अच्छी बुक हो उसका रेफरेंस आप देकर जो है इसे ठीक करा सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप अपडेट रहें। थैंक यू सो मच।